कितना अच्छे से स्टीम हो रहा है। ब्रिंग आमला हेयर मास्क है ऊपर से नीचे तक। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मॉर्निंग जस्ट उठे हम लोग और आज है रिपब्लिक डे। सबको हैप्पी रिपब्लिक डे। और हम लोगों ने ऐसे बैल्कनी में लगाया झंडा, देखिए ये झंडा लगाया। देखो मॉर्निंग उठते ये लगा दिया यहाँ पे, पहले का ही था खरीदा हुआ। और कितना अच्छे से धूप आ रहा है देखिए, तो ये धूप। और अभी 10-15 मिनट पहले हम लोग बिस्तर से उठे हैं और मैंने बाल में ना थोड़ा सा ऑयल लगा लिया, इतना रफ हो गया था। और ये देखिए बिस्तर अभी तक उठाया ही नहीं। और मॉर्निंग 8 बजे ही हम लोगों को बिस्तर पे ही गुड न्यूज़ मिल गया कि फ्रेंकी का जो है ना वो बेटा हो गया है। तो आज फ्रेंकी का भी बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे फ्रेंकी। इस दुनिया में आए हैं, इस वर्ल्ड में आए हैं, उसको भी हैप्पी बर्थडे छोटा फ्रेंकी को। फिर रात को 2 बजे से पूरा पेन स्टार्ट हो गया, तो फिर 3 बजे ऑपरेशन करा दिया। हम लोगों ने फ़ोन किया, फ्रेंकी से बात किया, आंटी अंकल जी से बात किया, तो सबको खुश। देखते हैं आज है रिपब्लिक डे, आप लोग क्या कर रहे हो। हम लोग घर पे एंजॉय करेंगे और देखते कहीं क्या कहाँ मतलब जाए हम लोग। और इस रूम में भी कितना सुंदर धूप आता है, देखिए बिस्तर में धूप। ये रूम में बहुत कम ही आते हैं हम लोग क्योंकि काम ही नहीं होता है, ये थोड़ा गेस्ट रूम जैसा हो गया। पूरा बहुत कम आते हैं इस रूम में, जस्ट कवर्ड में कपड़ा रखने के लिए आ जाते हैं। बिकू का ये कवर्ड अपना, यहाँ पे कपड़ा रखने के लिए आ जाते हैं और बस वही। तो अभी कुके है वॉशरूम, बिकू बोला कि तुम ब्रेकफास्ट रेडी करना, मैं फट से बाहर से आता हूँ, मतलब कुछ खाने के लिए लाएंगे और दिन में खाने के लिए। मैं थोड़ा सा फ्रेश हो जाती हूँ, बिस्तर उठा लेती हूँ और रहिए ब्लॉग में, ठीक है। ब्रश कर लिया, बिकू ने बोला कि मेरे को चाय ही दे दो, खाली चाय पी के चला जाता हूँ। तो बिकू जस्ट चाय बना के दिया है, वो पी रहे। अभी मैं बनाऊँगी, आज पीऊँगी दूध वाली चाय। मैंने समटाइम्स मुझे मन हो जाता है दूध वाली चाय पीने के लिए, ये वाला चाय पीऊँगी। और मुझे और एक चीज़ खाने का मन हो रहा है, और जो ये स्टीम पिथा नहीं है वो तो फच्छे हो जाएगा। मम्मी ने राइस फ्लोर जो है वो देख के भेजे थे बनाया हुआ, तो फिर वो बना के खाते आज। थोड़ा सा नारियल भी है ये वाला, तो इसमें थोड़ा सा शुगर मिक्स करके स्टीम पिठा एक दो तो बना लेती हूँ, बिकू को खाना नहीं है बोले। ये दो पिठा के लिए थोड़ा सा राइस होने से, राइस फ्लोर होने से हो जाएगा। ये मम्मी ने एक डब्बा ऐसे करके दे के भेजे थे उस दिन। और ये थोड़ा सा नारियल है, एक नारियल था ना खरीदा हुआ बिहू में, उसको भी मैंने कर लिया था आधा, और ये आधा में से थोड़ा सा रह गया। इसमें मैं खाली थोड़ा सा ही लूँगी क्योंकि एक जन का ही है। 1 and 2 and 1/2 बस। और इसमें थोड़ा सा सॉल्ट, और इसमें मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया, देखिए एकदम थोड़ा सा ऐसा देखिए इसे टूट रहा है मैंने, और मेरा हाथ एकदम गंदा हो गया। और मैं कहाँ स्टीम करूंगी बोलिए तो, मैं स्टीम करूंगी इसमें, देखिए आप लोग देखते रहिए, इसमें करूंगी स्टीम, इसका जो ढक्कन है उसमें करूंगी। तो इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ, नमक भी है यहाँ पे इसलिए। एक मैंने ऐसा वाला कॉटन कपड़ा लिया है एकदम स्मॉल सा, और इसको थोड़ा सा भिगोया मैंने, और देखिए ये ना गीला ये ना सूखा ऐसा है। अभी इसका जो ढक्कन है ना ये पॉट का, ये ढक्कन में मैं ऐसे करके कपड़ा को लगा दूंगी, देखिए ऐसे करके लगाया, इसको अंदर तक इसे कर दूंगी कपड़ा को। इसमें मैं अभी ये जो मिक्स किया हुआ राइस है, राइस फ्लोर, इसको मैं यहाँ पे 1 लेयर बनाऊंगी, देखिए यहाँ ऐसे करके थोड़ा सा टूटा टूटा, ये एक लेयर बना दिया ऐसे ये लेयर। उसके बाद यहाँ पे मैं नारियल दूंगी,
लेयर के ऊपर नारियल ऐड करूंगी। आपको जितना नारियल चाहिए आप ऐड करिए। नारियल और शुगर मैंने यहाँ पे मिक्स किया था, इसको मैं भर के नारियल लूंगी। ज़्यादा नारियल होने से टूट भी सकता है, क्योंकि एक पूरा कंप्लीट लेयर हो गया नारियल का, फिर फ्लोर का हो गया। अभी मैं फिर से यहाँ पे ऊपर में राइस फ्लोर दूंगी, ठीक है? ये लास्ट वाला है, एक लेयर बनाऊंगी। ये हो गया, देखिए ये हो गया। इसको मैं अभी रैप करूंगी ऐसे ऐसे, बस एक साइड ऐसे करके थोड़ा सा निकाल के रखूंगी। बस अभी मैं करूंगी क्या, बस इसको पलटा के यहाँ पे रख दूंगी। देखिए एक मिनट में ये पीठा बन जाएगा। और गैस का जो फ्लेम है एकदम स्लो में रखना है, पानी एकदम उबल हो रहा है, छिन 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 हो रहा है। तो बस, और मैंने कितना राइस फ्लोर लिया था देखिए, तो ये दो पीठा आराम से बन जाएगा। एक पीठा हो गया और एक पीठा का है, कितना अच्छे से स्टीम हो रहा है। इधर से मैंने बंद कर दिया, आगे का जो मुंह है उसको बंद कर दिया कपड़ा से, और यहाँ पूरा स्टीम जो है इधर से हो गया। और ये पीठा हम लोगों का रेडी, इसको मैं अभी निकाल लूँगी। थोड़ा गर्म है संभाल के, इसको मैं पकड़ लूँगी और बस इसके साथ ही ये पीठा। और ये देखिए, वाओ, देखिए मैंने बोला था ना ज़्यादा नारियल देने से टूट सकता है, और थोड़ा सा ये टूट गया। देखिए ये टूटते जा रहे हैं। एक काम करो, एक तो टूट गया ना, मैं इससे नहीं बनाऊंगी। मैं ट्राई करती हूँ, कहाँ था, मैं इसमें एक बार ही बना के देखती हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे मैं बना के देखती हूँ। ये पीठा बनाने का ही आता है चांदनी, तो इसमें मैं बना के देखती हूँ। अभी इसमें देखती हूँ क्या हुआ है। गरम मतलब मेरे पास क्या हुआ, आपका राइस फ्लोर कम हो गया था और दो पीठा के लिए बनाया था, और ये पीठा आधा है और ये टूटा हो गया। मतलब एक तो टूट गया, इसका रह गया, फिर ये जितना राइस फ्लोर था मैंने उसी में बना दिया। और ये देखिए ये खाने लायक हुआ है, लेकिन ये लेकिन टूटा नहीं। ये देखिए ज़्यादा नारियल देने से सेंटर में से टूट जाता है। हाँ चलिए कोई नहीं, ऐसे ही टूटा फूटा खा लूँगी मैं। लेकिन ये पूरा बन गया है, ये देखिए पूरा बन गया है, ये देखिए पूरा बन गया है। नारियल गरम गरम, तो ऐसे ही मैं टूटा फूटा से ही खा लेती हूँ, क्या हुआ है ना, पेट में ही जाएगा। तो चलिए मैं खा लेती हूँ, उसके बाद बिकू आएंगे, फिर मेरे को हेयर वॉश भी करना है, तेल लगाए, देखिए चिपकी चिपकी होके रखा हुआ है। चाय पर सब कुछ हो गया, बिकू आके फिर मीट लेके आए, लोकल चिकन ला के ना वो रख के गए, फिर से काम से गए हैं। और क्या हुआ देखे, मेरा बाल जो है बहुत ड्राई हो गया, मैंने तेल भी लगाया था। तो नया नया मैंने यूज़ एक कर रही हूँ, 1 वीक्स पहले एक बार यूज़ किया था, अभी और मैं एक बार यूज़ कर रही हूँ आज। हेयर मास्क जो है वो मैं, ये मामा आर्ट का हेयर आंवला, ब्रिंग आंवला हेयर मास्क है, तो ये यूज़ कर रही हूँ। एक बार मैंने यूज़ किया है, थोड़ा सा स्मूथ मिला है मुझे, तो सेकेंड टाइम यूज़ करके देखती हूँ कैसा है। तो अच्छा हुआ तो कंटिन्यू करेंगे। और थोड़ा सा मैंने बाल को ना गीला कर लिया, इसके ऊपर मैं मास्क लगाऊंगी ऐसे करके, बस थोड़ा थोड़ा करके मास्क लगाऊंगी एकदम ऐसे ऊपर से नीचे तक। जब बाल चर चर के कम हो जाता है ना, थोड़ा सा मेहनत तो करना पड़ेगा, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट है बाल। अगर बाल ही सर से ख़त्म हो गया तो क्या होएगा। तो फटाफट मैं इसको लगा लेती हूँ। और गाइस देखिए मैंने लगा लिया पूरा ऐसे करके, कैसी लग रही हूँ ना। तो
अभी क्या करूँगी मैं, इसको कम से कम 25 मिनट्स तक रखना है, उसके बाद वॉश कर देना है, बस हो गया। और अभी तब तक मैं एक काम करती हूँ, जिंजर और गार्लिक जो है वो ख़त्म हो गया पेस्ट, थोड़ा सा जिंजर गार्लिक पेस्ट बना लेती हूँ, उसके बाद पूरा कटिंग वटिंग करके, प्याज टमाटर ये सब कटिंग वटिंग करके आधा घंटा हो जाएगा तब तक, और फिर मैं नहा धो के खाना बना लूँगी। चाय बर्तन जो है मैंने धो लिया, ये बिकू ने यहाँ पे मीट ला के रखा है, लोकल चिकन, इसको मैं आलू के साथ झोल बना दूँगी, थोड़ा सा गार्लिक थोड़ा सा छीलूँगी एक टाइम के लिए, अभी के लिए खाली कमती करके, इस टाइम के लिए चिकन के लिए होने के लिए टमाटर प्याज ये सब काट भूट के जाऊँगी, इसको मैं अच्छे से धो लेती हूँ। लोकल चिकन गाइस, मैं जैसे बाहर के जिसको नहीं पता है, लोकल चिकन देखिए एकदम छोटा होता है, और देख के पता चलता है कितना कलर देखिए इसका, और जो फार्म का चिकन होता है वो एकदम वाइट होगा और एकदम बड़ा बड़ा होगा, ये देखिए एकदम सूखा जैसा, लेकिन इसमें और ये ज़्यादा अच्छा है खाने में। तो इसको मैं अच्छे से धो लेती हूँ। और फ्रेंड्स ये देखिए मैंने काट लिया सारा कुछ, मटर छील लिया, टोमेटो, प्याज, ग्रीन चिली, आलू, और ये अदरक लहसुन का थोड़ा सा मैंने कूट के कर लिया, और यहाँ पे मैंने चिकन को धो लिया, और बिकू को मटर पसंद है। तो मेरा चिकन के लिए सब कुछ रेडी हो गया, अभी मैं नहा के आती हूँ, डोर मैट जो है वो मेरा धो के रेडी हो गया, उसको मैं बाहर लगा दिया सूखने के लिए, और बस मैं फटाफट ये नहा धो के रेडी होके आती हूँ। अभी बजा है 11:40, तो बस मैं 10-15 मिनट में नहा के आ जाऊँगी, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। मैं नहा के आ गई, 12:15 मिनट हो गया, तो मैं खाना बना लेती हूँ, और बहुत ही ईजी है, सब कुछ बना के रख दिया ऑलरेडी, सॉरी सब कुछ रेडी करके रख दिया ऑलरेडी, तो फिर बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, एक घंटा में बन जाएगा, क्योंकि ये लोकल चिकन है और मैं कढ़ाई में बनाऊँगी, तो फिर इसलिए और ज़्यादा थोड़ा सा टाइम लगेगा, कुकर में नहीं बना रही हूँ। तो चलिए फटाफट लोकल चिकन बना लेते हैं, आलू टमाटर के साथ पूरा पतला वाला करी। ऐसे अगर रेडी रहे ना, और मतलब कहीं से आके भी ऐसे रेडी रहने से ना खाना बनाने का मजा ही अलग होता है। तो एक साइड में मैं गर्म पानी थोड़ा सा उठा दिया, क्योंकि गर्म पानी मैं यूज़ करती हूँ सब्जी बनाने में, क्योंकि कुकिंग ज़्यादा अच्छे से हो जाता है और कम टाइम ले लेता है। तो यहाँ पे मैं गर्म पानी बना लेती हूँ, और बिकू का वही है आज सबका सब शायद घर पे होगा, आज बाहर में भी कुछ नहीं है, दुकान भी खुला हुआ नहीं होगा, एक तो दुकान खुला हुआ होगा और सब कोई, तो ज़्यादातर आदमी तो आज घर पे चिल कर रहे होंगे ना, लेकिन बिकू वही उठ के चाय पिया और ब्रेकफास्ट भी नहीं किया अच्छे से। बिस्किट से मेरे को बोला कि मैं आके नाश्ता करूँगा, लेकिन आया आके मुझे चिकन दे के गए और बोला मैं आता हूँ बच्चे, और तब से लेके अभी तक हमको पता है कि उनका पता नहीं है, तो फिर मैंने नाश्ता भी नहीं बनाया, मैंने फ़ोन करके बोला नाश्ता, बोले नहीं नहीं नहीं, मैं बोले एक ही बार खाना खाऊंगा, बोले देखिए तो ये आदमी क्या बोले, और अभी 12:30 हो गया, मैं अकेले घर पे, उपाय नहीं है, काम भी इम्पोर्टेंट है, और आज इतना धूप है ना, दिन में आपका स्वेटर नहीं पहनने से भी होता है, देखिए थोड़े दिन पहले तक दिन में मैं स्वेटर पहन रही थी और इतना ठंडा था, तो चलिए, और ऊपर में इतना आवाज़ चल रहा है, काम मतलब कर रही है ऊपर वाला फ्लोर में, तो मैं ज़्यादा बात नहीं कर पाऊँगी क्योंकि बहुत हल्ला हो रहा है, तो फिर चलिए मैं फटाफट चिकन जो है वो बना लेती हूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ, ठीक है।
उधर सब्जी बन रहे हैं और यहाँ पे मैं थोड़ा सा धूप सेक रही हूँ। इतना अच्छा धूप है ना, नहाने के बाद थोड़ा टाइम तक गर्मी रहते है, उसके बाद ठंडा लगते रहते हैं। तो खा सब्जी वहाँ पे उबल रहे हैं, बिकू फ़ोन में बात कर रहे हैं, उसके बाद नहाएंगे तो फिर हम लोग खाना खाएंगे। कितना अच्छा धूप आता है। और ये मेरा सब्जी बन गया एकदम पतला वाला करी, और ये आलू भी एकदम कुक हो गया अच्छे से। अभी हम लोग खाना खाएंगे, बिकू आ गए, भूख लग रहा है, हम लोग खाना खाएंगे अभी, क्योंकि नाश्ता भी तो बिकू ने किया ही नहीं। हम लोगों ने खाना खा लिया, मस्त लगा खाना खा के, और ऐसे करके दिन में खाना खा के मतलब साथ में खाना खाना मज़ा ही अलग होता है। तो बस वो टीवी ऑन किया था, एक मूवी देखूँगी खाना खाने के टाइम में, देखा वो ही कट गया, फाइबर कट गया है। अगर मैं खाना मतलब हाथ से ऐसे टच किया था, उसके बाद पता चला टीवी में रिचार्ज ख़त्म हो गया, तो उसके बाद और करने मन नहीं किया, तो ऐसे रख दिया, खाना खा लिया। अभी रिचार्ज करती हूँ, टीवी में क्या मूवी वूवी आया है देखती हूँ, एक मूवी लगा के आराम से चिल करूँगी और ना, और बिकू के वही पान लाने के लिए, तो बस पान लाने गए हैं। गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो खाना वाना खा के ना थोड़ा सा मैं ऐसे ही फ़ोन देख रही थी लेट लेट के, फिर इतना आँख मतलब मेरा लग गई ना, मुझे लगा कि मैं आधा घंटा सो जाऊँ, तो बस मैंने आधा घंटा सो लिया। उसके बाद और भी कुछ खाना वाना खा के गए थे, जस्ट अभी आए घर, और मैं वही ड्रेस पहनी हूँ, और मैं सोच रही हूँ कि एक बार मम्मी के वहाँ पे होके आए, क्योंकि 10 दिन से ऊपर हो गया, मम्मी लोग आए हैं गए ही नहीं हम लोग वहाँ पे, तो जाके मिल के आते हैं सबसे। और मम्मी भी बोल रही थी इतना दिन से आ नहीं रहे हो, 10 दिन से ऊपर हो गया, चाय वाय पी के रात को आ जाएंगे। अभी हुआ है 6:30, बिकू जस्ट फ्रेश होने गए हैं, अभी कपड़ा वपड़ा पहन के रेडी हो जाएंगे, और मैं जस्ट घर का ड्रेस में ही ऊपर में खाली स्वेटर पहन लिया। तो चलिए आयन से मिलते हैं बहुत दिन के बाद, उससे भी मिलना हो जाएगा, चलिए जाके मिलते हैं। और आयशा रैंक ये गए थे बाहर, और इसको देखो पूरा नींद में है, चाइस गई थी पूरा सरस्वती पूजा मनाने, गणतंत्र दिवस, और ये पेतला को देखो, पेतला आके पूरा एकदम कपड़ा वपड़ा चेंज कर दिया पेतला। ये गुड़ मखाना मैंने बनाया था इन लोगों के लिए लेके आया, और ये बिकू साहब दिन भर घर पे नहीं है, और अभी आके ब्लैंकेट लेके एकदम सोए हुए है यहाँ पे। और ये मेरा छोटा भालू लोकल चिकन है तो फिर ये सब्जी क्यों मम्मा? मैंने जवाई के लिए, जवाई के लिए मतलब जवाई राजा के लिए सब्जी पसंद है, तो जवाई राजा के लिए सब्जी बना रहे हैं। और ये दाल बन गया, उसके बाद ये है लोकल चिकन, और आप लोगों ने खुद देखा है दिन में हम लोगों ने लोकल चिकन ही खाया, हम लोगों ने भी लोकल चिकन ही लाया, फिर करी बना के खाया, लेकिन ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा वाला, तो दो जन का हुआ। सैलेड और मम्मी के मुंह पे पान, और ये सब्जी, और ये दाल, और ये हम लोग इधर लिपस्टिक लगा के नाइट ड्रेस में खाना बन रहे हैं। मैं बोल रही हूँ ना, आज चिकन खाया तो चिकन खाने का एकदम मन नहीं था, क्यों जो चिकन लाया ना,
बहुत ईजी चिकन ही नायक हम लोग चिकन खाए बिना पेट जाएगा अंदर, खाना जाएगा अंदर। हाँ हो गया हो गया। अच्छा फूल रहे थे, येलो पिंक ब्लू। पानी ऊपर ही है, साबुन भी ऊपर ही है, सब है, सिर्फ भेज जाओ। पानी है, पानी है। अम्मा अम्मा को लाके यहाँ पे नहला दो, अब्बा को भेज दे दो यहाँ पे। अब्बा को बुलाओ यहाँ पे, भेज दे तो नहला देती हूँ। ये मल्टीटास्कर है। ये आयन सो गया देखिए तो, दाम उसका ब्लैंकेट लेके बोला, और इसका ये सहारा, इसका ये मुंह में चाहिए होता है। और बस हम लोग जा रहे हैं अभी, हल्ला गुल्ला करके 12 बजने में थोड़ा टाइम बाकी है। और ये मम्मी गेट मारने के लिए आगे का गेट में ताला लगाया था, और यहाँ पे आयशा, और बस। तो क्या किया, खाना वाना खाया, थोड़ा टाइम हम लोग मस्ती किया, उसके बाद बस अभी जाएंगे और घर। चलो एवरीबॉडी बाय बाय, गुड नाइट, गुड नाइट। हाय गाइस, तो घर पे पहुंच गई हूँ। तो चलिए, बहुत लेट हो गया, खाना वाना खाने के बाद थोड़ा सा हम लोग बातचीत किया, और चलिए यही था आज का ब्लॉग। तो फिर देखते रहिए ऐसे मेरा ब्लॉग को, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, और ऐसे मुझे प्यार देते रहिए। तो नया ब्लॉग के साथ जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, बाय बाय।